बॉलीवुड के डायरेक्टर बोनी कपूर, जिनकी दो पत्नियों को लेकर आज होने वाला है सबसे बड़ा खुलासा। जी हाँ, बता दें कि जैसा कि आप सब ने हमारी रिपोर्ट की हेडलाइन देखी होगी, जिसमें हमने लिखा है कि बोनी कपूर की पहली पत्नी यानी कि अर्जुन कपूर की माँ मोना कपूर के निधन से ये था श्रीदेवी के निधन का कनेक्शन। 2 साल बाद हुआ सबसे बड़ा खुलासा। तो क्या है ये सच, आज हम आपको बताएंगे। दरअसल आपको बता दें कि बोनी कपूर की पहली पत्नी मोना, साल 2012 में मोना का कैंसर की वजह से निधन हो गया था। अर्जुन ने कहा था कि भले ही उनकी मां को गए हुए 8 साल हो गए हो, लेकिन अभी भी वो मूव ऑन नहीं कर पा रहे। आज भी वो मां को हर पल मिस करते हैं। जहाँ पर 2012 में बोनी कपूर की पहली पत्नी मोना का निधन हुआ, वहीं दूसरी तरफ साल 2018 में 24 फरवरी को श्रीदेवी का निधन हुआ। अब बात करें दोनों के निधन के कनेक्शन की, तो खबर ये है कि जब बोनी कपूर की पहली पत्नी मोना का निधन हुआ, तो उस निधन से के बाद रिलीज हुई अर्जुन कपूर की पहली फिल्म। जी हाँ, आपको बता दें कि जब अर्जुन कपूर की पहली फिल्म रिलीज होने वाली थी, उसके पहले ही बोनी कपूर की पहली पत्नी का निधन हो गया था। और ऐसा ही कुछ श्रीदेवी के साथ भी हुआ साल 2012 में। बता दें कि साल 2012 में जब श्रीदेवी की बेटी जाह्नवी कपूर की पहली फिल्म रिलीज होने वाली थी, उसकी फिल्म के रिलीज से पहले ही श्रीदेवी का भी निधन हो गया था, जिसके बाद ये कनेक्शन जोड़ा जा रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। कि आखिर दोनों ही पत्नियों का निधन हुआ, वो भी बच्चों की फिल्म के रिलीज़ होने से कुछ वक्त पहले। श्रीदेवी का निधन हुआ जुमिरिया एमिरेट्स टावर होटल में, और दूसरी तरफ अर्जुन कपूर की मां मोना शोरी कपूर का निधन हुआ था हैदराबाद में साल 2012 25 मार्च को, और दूसरी तरफ श्रीदेवी का निधन हुआ था 24 फरवरी 2018 को, यानी कि फरवरी और मार्च, फरवरी की 24 और मार्च की 25 तारीख 2012, और 6 साल बाद 2018 में श्रीदेवी का निधन। तो कई सारे कनेक्शन एक दूसरे से जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अब इन कनेक्शन को लेकर एक बार फिर से फैंस उठा रहे हैं मांग कि श्रीदेवी के निधन पर भी सीबीआई जांच होनी चाहिए, ताकि पता चल सके कि आखिर श्रीदेवी के साथ आखिरी वक्त में क्या हुआ था। नेक्स्ट लाइव सुरजनी की रिपोर्ट।